Assalam-o-Alaikum dear students, welcome back xpacademy.com जहां पर आप step by steps AutoCAD उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। Dear students, आज के इस lesson के अंदर मैं आपको elevation के बाद section बनाने का तरीका बताऊंगा। याद रखिएगा dear students, जब हम लोग practically काम करते हैं, हमारे पास एक plan होगा, जो आपका मैप होगा, then उसके बाद आपका उसको जो जरूरी चीज है बनाने की वो आपका एलिवेशन होता है, जो कि मैंने आपको पिछले लेसन्स के अंदर बताया है बनाना। फिर इसके बाद जो चीज आती है आपके पास वो आपका सेक्शन आता है, इसको क्रॉस सेक्शन भी कहा जाता है। क्रॉस सेक्शन आपके पास मैप के अंदर बनाना जरूरी होता है, या आपके पास एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। जितनी ज्यादा बड़ी बिल्डिंग्स होगी उतने ज्यादा आपके पास बड़े क्रॉस सेक्शन हो सकते हैं, ज्यादा क्रॉस सेक्शन हो सकते हैं। तो आइडिया स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं हमारे पास सेक्शन बेसिकली होता क्या चीज है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, एक्सपी अकेडमी की तरफ से आपके लिए एक सीडी रेडी की गई है, जिसके अंदर मोर देन 200 सेक्शन एलिवेशन और इसके अलावा जो इसके अंदर यूज होने वाला मटीरियल है वो मौजूद है, जो कि तमाम ऑटोकैड की फॉर्मेट्स में है। अगर आप वो हमें लेना चाहें, हमसे लेना चाहें, तो हमें आप कॉल कर सकते हैं 03439017779 पर, या हमें ईमेल कर सकते हैं xpacademy@ymail.com। तो आइए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं हमारे पास सेक्शन होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, मैं अपने पास वो फाइल ओपन कर लेता हूं। देखें डियर स्टूडेंट्स, मैंने ऑलरेडी यहां पर एक फाइल ओपन करके रखी हुई है, इसके अंदर मैंने बेसिकली बहुत सारे सेक्शंस आपको बताना चाह रहा था। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब ये एरिया तो आपने बना लिया फ्रंट एलिवेशन, जैसे कि आपने पिछले लेसन के अंदर देखा इसको बनाने का मेथड। अब नेक्स्ट जो हमारा टारगेट होगा वो हमें ये सेक्शन बनाना होगा। देखें यहां पर ये सेक्शंस बना हुआ है। सेक्शन बेसिकली होता क्या है, आपके पास एक घर है, एक प्लान है, एक मैप है, इसको आपने एक क्रॉस लाइन दे देनी है। जैसे कि आप यहां पर देखें आपके पास एक लाइन ड्रॉ हुई है, इट्स मीन्स अब आपने क्या करना है, इस एरिए का सेक्शन बनाना है जो कि यहां पर बना हुआ है। अब आपको यहां से आगे आगे जो चीजें नजर आएंगी आपने ये देखना होगा, ये जो साइड है, ये जो एरो है, ये जो ऊपर की तरफ लाइन है, या ये जो ए लिखा हुआ है, ये किस तरफ है, ऊपर की जानब है या नीचे की जानब है, लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है। तो जिस तरफ इसका फेस होगा वो एरिया आपको क्रिएट करना होगा। अब इस सिचुएशन में देखें, यहाँ के पास जो एरो इसका ए शेप है, लेटर है, ऊपर की जानब है, तो ये नहीं कि आप क्या कर रहे हो, इधर से गुजर कर जा रहे हो। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल की दे सकता हूं सेक्शन की। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि फर्स्ट करो आपके पास एक खरबूजा है, आप जब उसको सामने से देखें आपके पास वो एक फुटबॉल नुमा शेप नजर आएगी, आपके पास बिल्कुल सर्कल नुमा शेप नजर आएगी। लेकिन जब आप उसको सेंटर में से एक छुरी के साथ उसके दो स्लाइस बना देते हो, जो दो पीस बना देते हो, उसको टुकड़े कर देते हो, काट देते हो बीच में से, तो वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। अब आपको नजर आएगा सबसे पहले उसका ऊपर ग्रीन वाला एरिया होता है, फिर उसके अंदर आप नीचे चले जाएं आपके पास थोड़ा सा व्हाइट वाला एरिया नजर आएगा, फिर उसके बाद और नीचे चले जाएं वो एरिया जिसको हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं, रेड रेड एरिया जो आपको नजर आएगा वो उसका अंदर मजीद उसके पॉइंट्स होते हैं, तो उसके अंदर चले जाए छोटे छोटे उसके दाने होते हैं। तो ये तमाम चीजें आपके पास सेक्शन कहलाती है, यानी कि इसको आप सेक्शन की एग्जाम्पल दे सकते हो। तो यहां पर भी यही होगा, आपके पास एक घर बना हुआ है, आपने ये लाइन दे दी, अब आप इसको काट दोगे, यानी कि आप ये कंसिडर करो आपके पास एक बिल्डिंग खड़ी है, एक बिल्डिंग बनी हुई है, आप उसको दरमियान में से दो हिस्सों में तकसीम करते हो। अब जब आप उसको दो हिस्सों में तकसीम कर दोगे, डेफिनेटली जहां पर दीवार होगी तो वहां से दीवार काटी जाएगी, यानी कि एक लाइन लगाने के बाद, एक बॉर्डर बनाने के बाद, जहां पर दीवार होगी वहां से दीवार काटी जाएगी, जहां पर डोर होगा वहां से डोर काटा जाएगा, और जहां पर फिर आपके पास विंडो आ जाएगी एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपने विंडो को काटना होगा। अब इस सिचुएशन में देखें डियर स्टूडेंट्स, मैं इस दीवार को काट रहा हूं, देन मैं डोर वाली दीवार को काट रहा हूं, फिर मेरे पास दीवार काटी जा रही है, और इसके सामने मेरे पास एक विंडो दिखाई दे रही है, मेरे पास डोर दिखाई दे रहा है, विंडो दिखाई दे रही है और डोर दिखाई दे रहा है। जब कोई चीज सामने आएगी लाइन के सामने स्ट्रेट,
जैसे ये मेरे पास स्ट्रेट नजर आ रही है सामने वाली चीजें, तो ये फिर एलिवेशन के, जैसे एलिवेशन के अंदर मैंने बनाई थी, ये समझ लें एलिवेशन ही बनेगा। लेकिन जिसमें से लाइन गुजर रही है उसको आपने सेक्शन के तौर पे बनाना है, जिसके सामने से लाइन गुजर रही है उसको आपने एलिवेशन के तौर पे बनाना है। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने इस दीवार को सेक्शन के तौर पे बनाया। अब मुझे सामने विंडो नजर आ रही थी, मैंने विंडो बनाई है। देन मुझे एक और विंडो, फिर मुझे दीवार नजर आ रही थी, हमने दीवार बनाई हुई है यहाँ पे। आपको फिर एक और आपके पास विंडो नजर आ रही थी, फिर डोर नजर आ रहा था। तो ये आपके पास क्रॉस सेक्शन की लाइन थी। तो यहाँ पर देखें आपके पास यहाँ पर भी क्रॉस सेक्शन की लाइन है, क्योंकि आपके पास ऊपर वाली बिल्डिंग में यहाँ पर विंडो है जबकि नीचे वाली पे नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे नीचे वाली पे इस विंडो को शो नहीं किया गया। आगे यहाँ पर देखें फिर आपके पास एक क्रॉस सेक्शन बना हुआ है। अब यहाँ पर आपके पास एक अलमारी भी इसमें नजर आ रही है, तो देखें कबर्ड भी आपके पास नजर आ रही है। तो हम देखते हैं सेक्शन की लाइन, तो ये रही मेरे पास क्रॉस सेक्शन की लाइन। देखें यहाँ पे दीवारों में से गुजर रहे, इधर से वॉल है, यहाँ पे वॉल है और यहाँ पे दीवार है, और यहाँ पे आपके पास सामने विंडो नजर आ रही है, आपके पास डोर नजर आ रहा है, ड्रेसिंग रूम, ड्रेसिंग यानी कि आपके पास जो कबर्ड है वो नजर आ रही है। तो सेम टू सेम इसका जो सेक्शन भी बनाया गया है, देखें आपके पास यहाँ पे दीवार नजर आ रही है, विंडो नजर आ रही है, डोर नजर आ रहा है, कबर्ड आपके पास नजर आ रही है, फिर आपके पास दीवार नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें आपको डिफरेंट नजर आ रही है, वो क्या है? यहाँ पर आपके पास देखें सेक्शन का बनाने का मकसद यही होता है, आपने इसके अंदर क्या मटेरियल यूज किया हुआ है, आपने इसको यानी किस बेस से बनाया हुआ है। अब अगर आप इस सेक्शन को देखें, यहाँ पे हमने बिल्कुल सीधी दीवार ऊपर क्रिएट कर दी है, इसके बीच में कोई भी मैंने ब्लॉक्स वगैरह नहीं बनाए हैं। लेकिन यहां पर आ जाएं, अगर आप डोर के बाद आए तो यहां पर आपको एक ब्लॉक नजर आ रहा है, लेंटर। अब ये क्या है बेसिकली, इस चीज को समझ लें डियर स्टूडेंट्स। आप जो चीज मैं आपको बताने लगा हूं ये आपको प्रैक्टिकली लाइफ के अंदर मिलेगी आसानी से। देखिए जब आप एक घर बनाते हो, आप उसकी दीवारें ऊपर बना रहे हो, आप 7 फिट तक पहुंचे हो, उसके बाद आपको डोर की यानी कि 7 फिट का एरिया जो होता है या 7 फिट की जो हाइट है ये डोर के लिए होती है। आपके घर में जो डोर यूज किए जाते हैं इनकी 7 फिट हाइट होती है। अब इस चीज को अगर आपने कंफर्म करना है तो प्लीज आप अपने रूम की या ऑफिस की जिधर भी आप बैठे हो, क्लासरूम में बैठे हो, जहां पर भी आप हो, वहां के डोर की आप मेजरमेंट कर लो, यानी कि आप उसको देख लें फर्श से लेकर जहां पे जाकर डोर एंड हो रहा है वहां तक उसकी हाइट क्या है, वो आपके पास 7 फिट होगी। ठीक है, देन जब 7 फिट तक आप गैप बनाओगे, जब आप घर बना रहे हो, देखें आप मैप बनाते हो, मैप के अंदर आपने इस ब्लैंक एरिया को छोड़ देना होता है, इसका मतलब होता है ये डोर है। लेकिन अब क्या होगा, जब इसके ऊपर दीवारें बनाई जाएंगी ये 7 फिट तक ऊपर जाएगा। 7 फिट तक ऊपर जाने के बाद इसके ऊपर आपके पास एक लेंटर आ जाएगा, जिसको आप लोग बीम भी कहते हो। आपके पास ये लेंटर बना हुआ आ जाता है, ये आपको बनाना होता है। इसमें होता क्या है, RCC होता है। अब जिस चीज के साथ RCC आ जाए मीन्स उसमें आपके पास आयरन है, आपके पास कंक्रीट है और ये चीजें आपके पास होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सीमेंट आपके पास आ जाएगी, कंक्रीट आ जाएगा और आपके पास आपका सरिया आ जाएगा। तो यहां पर आपके पास ये बीम बन रहा है। अब इस बीम की जो डिटेल है वो यहां पर बताई जा रही है, वो क्या है, 9 है। ठीक है, इस तरह से आप अगर इधर आ जाए, यहाँ पे जो आपके पास ये रूफ बनता है, छत बनता है, ये भी डेफिनेटली RCC होता है। आपके पास दो चीजें ज्यादातर यूज होती हैं कैट के अंदर, सेक्शन के अंदर, एक होता है RCC, एक होता है PCC। RCC वो चीज होगी जिसके अंदर आपका सरिया इंक्लूड होता है, सरिया, सीमेंट और जिसको आप कंक्रीट कहते हो। नंबर टू, जब PCC आ जाता है उसके अंदर आपके पास क्या होता है, प्लेंथ आपके पास आ जाती है, उसमें आपके पास कंक्रीट और आपके पास फिर यही आ जाता है, सीमेंट वगैरह आ जाती है। यानी कि PCC के साथ सिंपल मैं आपको ये बताऊं, PCC जो होता है उसके अंदर सरिया इंक्लूड नहीं होता, RCC के अंदर सरिया इंक्लूड होता है। तो देखें आपके पास ये भी बता रहा है RCC, ये मैं अभी आपको डिटेल से बताता हूं। अब आप इधर आ जाए, यहां पर जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, देखें अब जब मैंने यहां पे इसको बनाया, क्योंकि जब आप मैप बनाते हो मुख्तलिफ कंडीशन के मुताबिक बनाया जाता है। अब यहाँ पर जो कंडीशन है, यहाँ पर जो लैंड की कंडीशन थी है, जो मैंने इसको बनाना चाहा, वो हमने क्या किया, इसके स्टार्टिंग में भी हमने यहाँ पे प्लेंथ लेवल डाल दिए तो हो गया। उसके बाद ऊपर आ जाए आपके पास इधर लेंटर आ जाएगा। अब ये क्या है, RCC है। ठीक है, ऊपर आ जाए फिर आपके पास ये हो गया। अब ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, अगर हम यहाँ पर आ जाए अपनी इस सेक्शन वाली लाइन पे, ये जो लाइन है, तो देखें यहां पर तो हमारे पास कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है, यहां पर तो सिंपल मेरे पास दीवार है। क्या यहां पे कोई विंडो है? नहीं है ना, तो फिर मैंने यहां पे विंडो डेफिनेटली नहीं बनाई है। अब ये जो विंडो है ये आपके पास सामने वाली विंडो थी जो उसके सामने आ रही थी लाइन के,
अब तो विंडो मैंने बना दी है, लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूं, हमने यहां पे ये लेंटर क्यों बनाया है, ये क्यों बनाया, ये बीम क्यों बनाया है, वजह क्या है, प्रॉब्लम क्या है। बेसिकली अब मेरे इस घर का जो स्ट्रक्चर है, जो डिजाइन है, मुझे हर 7 फिट्स के बाद, एवरी 7 फिट्स, जैसे मेरी 7 फिट्स पर दीवारें पहुंचेंगी तो मैं अपने काम को रोक दूंगा। यानी कि आप ब्लॉक या ईंट से जो भी काम कर रहे हो, पत्थर से, जहां पर जो भी आप मटेरियल यूज कर रहे हो, जैसे आप 7 फिट पे पहुंचोगे आप अपने काम को स्टॉप कर दोगे। अब इसके बाद क्या करना होगा आपको, इस ड्राइंग के मुताबिक, क्योंकि ये ड्राइंग क्या कह रही है आपको, ड्राइंग कह रही है आप 7 फिट से पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, इस पूरे घर के ऊपर जितने भी आपने दीवारें बनाई हैं 7 फिट पे रोकने के बाद, इस पूरे घर के ऊपर आपने 999 इंच का, यानी कि 9x9 का आपने बीम क्रिएट कर देना है, यानी कि RCC आपने एक बीम बनाना है। तो क्या होगा, इसके थ्रू आप तमाम घर के ऊपर ये बना दोगे। देन वापस आप ऊपर जाएंगे, जो आपका जहां पे लेंटर होगा, जो आपका रूफ होगा, छत होगा, वहां पे फिर आपको एक और बीम डालना है। देखें यहां पर आपके पास ये बीम डाला जा रहा है, ये इसी तरह से आप यहां पे देखें, यहाँ पे सॉरी मिस हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे देखें आपके पास ये भी बीम है, इधर भी ये बीम है, तो ये तमाम चीजें आपके पास होती हैं। अब ये जो बीम्स हैं, ये जब आप अपना छत बनाएंगे, जिस दिन आपका छत डलेगा उस दिन इसकी फिलिंग की जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें डिटेल्स आपको बतानी होती है सेक्शन के अंदर। बेसिकली आए कोर्स अच्छे नीचे जाए, आपके पास ये फाउंडेशन आ रही है, यहाँ पे ये फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने जो भी देखा उसमें हमने सिंपल ये देखा है दीवारों के अंदर आपके पास ऑब्जेक्ट कैसे बनाए जाते हैं। लेकिन अब आपको मैं कुछ और डिफरेंट सेक्शन दिखाने की कोशिश करता हूँ, जिसके अंदर मेरे पास लाइन के अंदर विंडोज वगैरह की ऑप्शन आ जाए तो वो बेहतर है आपके लिए भी। तो एक और सेक्शन है, तो यहाँ पे डेफिनेटली अब ये मेरे पास आ चुका है, ये मैं चाह रहा था। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे मेरे पास ये सेक्शन की लाइन है, क्योंकि लाजमी नहीं आपके पास मुकम्मल लाइन ऑफ स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट बता सकते हो। ये देखें जैसे ये स्टार्टिंग है और यहां से इधर ये एंडिंग है। अब देखें अगर मैं इस लाइन को आगे खींच के लेकर जाऊं, यहां से मैं इसको आगे की तरफ ला रहा हूं, इस लाइन को मैंने इधर ड्रॉ कर दिया। अब ये लाइन सबसे पहले मेरी कहां से गुजरती है, एक विंडो में से गुजर रही है, यानी कि किचन है, किचन के अंदर एक दीवार है, दीवार के अंदर विंडो है, उसमें से गुजर रही है, देन आगे जाएगी मेरे पास ये डोर में से गुजर रही है। तो आइए देखते हैं ऊपर हमारे पास इधर सेक्शन में क्या हो रहा है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास ये जो लाइन है यहां से सीधी एक किचन में से गुजर रही है। किचन का क्या है, यहां पर RCSCC आ चुका है। अब यहां पे आप देखें, मैंने जब मेरे पास यहां पे जब हमारे पास यहां पर विंडो में से गुजर रही है, तो हमने क्या किया, यहां पर हमने विंडो बना डाली, ठीक है। फिर आ गया है हमारे पास यहां पे, तो बाकी वही चीजें हैं तमाम जो मैं आपको बता चुका हूं। आज देखते हैं कोई और नई ऑप्शन। यस, तो आई थिंक जो मैं चाह रहा था वो मुझे मिल गई है, बिल्कुल। अब देखें यहां पर आ जाए आप, अगर आप इस लाइन को देखें, अगर इस लाइन को आगे तरफ लेकर जाऊं, यहां से इस तरफ को लाऊं, तो आपके पास क्या होगा, ये आपके पास विंडो में से भी गुजर रही है और देन डोर में से भी गुजर रही है ये लाइन, और फिर इस डोर में से गुजर रही है ये लाइन। तो आप देखें डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, यहाँ पे विंडो क्रिएट की है, ये विंडो हमने बना दी, उसके ऊपर बीम डाल दिया। फिर आगे जाएं, आपके पास ये सामने वाले डोर आ रहे हैं, ये जो डोर है ये एलिवेशन के तौर पर बनेंगे, 1 और 2, देन इसमें से लाइन गुजर रही थी इस डोर में से, तो हमने इधर क्या किया, ये डोर बना दिया। अब डोर के लिए आपके पास ये टोटल एंड लाइन भी हो सकती है, ये इसके अंदर आप सिंगल लाइन ड्रॉ कर दें, वो भी आपके पास डोर का मार्क शो करेगी। तो ये चंद खास बातें थी जो कि आपको सेक्शन के अंदर देखनी पड़ेंगी, और ये जस्ट मैंने उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने पहले सेक्शन को देखा नहीं है, समझा नहीं है, तो मैंने इधर एक समझाने की कोशिश की है। डियर स्टूडेंट्स, आपको इस चीज को समझना होगा। इंशाल्लाह डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट लेसन है इसके बाद, उसमें हम मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, एक प्रैक्टिकली मैप्स के ऊपर काम करता हुआ दिखाऊंगा। एलिवेशन तो मैंने आपको सेक्शन तो मैंने आपको बता दिया क्या चीज है, लेकिन सेक्शन के ऊपर कैसे काम किया जाता है, किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाता है, कैसे इसके ऊपर लाइनें ड्रॉ की जाती हैं, वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको नेक्स्ट लेसन के अंदर बताने जा रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, जाने से पहले एक मरतबा फिर
अगर आपको मजीद मालूमात चाहिए डियर स्टूडेंट्स हमारे अकेडमी के मुतालिक, या आप हमसे रब्ता करना चाह रहे हैं, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 0343-901-7779 पे, या डियर स्टूडेंट्स आप हमें ईमेल कर सकते हैं xpacademy@ymail.com। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्सपी अकेडमी की तरफ से आपके लिए कुछ सीरीज रेडी की गई हैं, जिसमें एक तो 1 to Z ऑटो कैट अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो वो भी DVD आपके पास अवेलेबल है, या अगर आपको इन ड्राइंग्स की आपको कलेक्शन चाहिए तो वो भी आपके पास अवेलेबल है, उसके लिए भी आप हमें इन्हीं मेल्स और इन्हीं नंबर पर आप हमें रब्ता कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होते हैं, उस वक्त तक के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा, अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।